नमस्कार, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। इस वक्त की बेहद ही बड़ी खबर सामने आ रही है एक्ट्रेस राखी सावंत और उनके पति आदिल दुर्रानी को लेकर। बता दें कि राखी सावंत लगातार अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर कई बड़े खुलासे करती हुई नजर आ रही है। जहां एक ओर राखी आदिल के पीछे पीछे मैसूर जा पहुंची, तो अब राखी एक बार फिर से अपने काम पर भी लौट चुकी है और इसी दौरान राखी ने अपने पति आदिल दुर्रानी को लेकर एक और चौंकाने वाला खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि राखी के पति इस वक्त मैसूर पुलिस के रिमांड में है। लगातार पुलिस आदिल दुर्रानी से पूछताछ कर रही है और अब इसी को लेकर राखी ने ये बताया कि आदिल दुर्रानी की पुलिस रिमांड 27 फरवरी को खत्म हो जाएगी और शायद अब पुलिस लगातार जिस तरह से पूछताछ कर रही है उसके बाद इस मामले में कोई बड़ा खुलासा हो सकता है। राखी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि आप सभी ने देखा कि मैं आदिल के खिलाफ छानबीन करने के लिए मैसूर पहुंची थी, जहां एक ओर मैंने आदिल की एक्स गर्लफ्रेंड ईरानी स्टूडेंट से बातचीत की तो वहीं दूसरी ओर मैं कोर्ट भी गई। मैंने मैसूर पुलिस से भी बातचीत की और इस बीच मुझे पता चला कि आदिल दुर्रानी की पुलिस रिमांड 27 फरवरी को खत्म हो जाएगी। जब आदिल की पुलिस रिमांड खत्म होगी तो मैं एक बार फिर से मैसूर जाऊंगी। तब तक मुझे उम्मीद है कि मैसूर पुलिस इस केस में ईरानी महिला को जस्टिस दिलाएगी। आपको बता दें कि इस वक्त राखी एक बार फिर से काम पर भी लौटती हुई दिखाई दे रही है। इसे लेकर राखी को लेकर अलग अलग तरह के रिएक्शन सोशल मीडिया पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन राखी इस वक्त अपने काम और आदिल दोनों को ही लेकर काफी ज्यादा सीरियस हैं। अब देखना यह होगा कि आखिरकार 27 फरवरी को आदिल दुर्रानी के खिलाफ मैसूर पुलिस क्या कुछ अपना बयान पेश करती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही। ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन लाइव।